हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट। वर्कशीट संख्या है ये 37, जो आपके पास आ गई थी 28 सितंबर को। और इसमें क्या है, अभ्यास प्रश्न है। त्रिकोणमितीय परिचय जो आपने किया था उस पर इन्होंने अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। ये 10 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको कॉपी पेन भी समझा देते हैं सीधा। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। पहले में क्या दे रखा है कि कोण ए के लिए आधार लंबवत कर्ण का मान लिखना है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। और ये दे रखा 90 डिग्री, और ये 4.5 है, ये आपकी 3.3, और ये 3 है। आधार लंब और कर्ण का माप लिखना है हमें कोण ए के अकॉर्डिंग। मैंने पहले बताया था, अगर ये कोण ए है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये बी सी। तो बी सी तो क्या होगी, लंब। तो लंब तो कितना हो गया, 3.3, ठीक है। और इसके साथ की भुजा, संलग्न भुजा बोलते हैं जिसको, ए बी, वो क्या होगी, इसका आधार। तो आधार हो गया आपका 3। और जो तिरछी भुजा है वो ए सी हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगी आपकी कितनी, 4.5। तो ये आंसर हो गए, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग लिखने में ध्यान रखना, अगर सी के अकॉर्डिंग बोलता तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 में क्या है, ये बोला है अगर टेंजेंट ए का मान 3/4 है तो हमें मान निकालना है साइन ए और कोस ए का मान निकालना है, ठीक है। साइन ए कोस ए का मान निकालना है। अब देखो बहुत इजी है, कैसे, मैंने अगर पिक्चर बना ली और यहाँ पे मान लिया एंगल ए, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो इसने बोला कि टेंजेंट ए का मान 3/4 है, अगर ये एंगल ए है तो ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। तो मुझे बताइए टेंजेंट ए होता क्या है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब का मान कितना आ गया, कंपैरिजन करो, 3, और आधार का मान कितना आ गया, 4। तो ये तो आ गया आपका 3, और ये कितना आ गया, 4। अब आपको साइन ए कोस ए का मान निकालना है तो कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 3 × 9 और 4 × 16 कितना हो गया, ये 25 हो जाएगा। कर्ण निकालेंगे तो हमारे पास जो वर्ग था उस सर जाके 25 का वर्गमूल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो कर्ण आपके पास आ गया 5, ठीक है भाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक चित्र बनाया है जिसमें एंगल ए कहाँ हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे एंगल ए ले लेना हमेशा। अगर टेंजेंट बी बोलता हो यहाँ भी बी ले लो, टेंजेंट सी बोलता हो यहाँ पे टेंजेंट सी ले लो। इसके अकॉर्डिंग लंब आधार कंपेरिजन कर लो, 3, 4 वैल्यू आ गई, ये 5 आ गई। अब जैसे आपको निकालना साइन ए, तो साइन ए होता आपका लंब बटे कर्ण होता है। अब मुझे बताइए लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 5, ठीक है भाई। ऐसे ही कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 4, और कर्ण कितना है, 5, ठीक है। साइन ए कोस ए दोनों की वैल्यू आ गई, और हमें क्या निकालना था, साइन ए इंटू कोस ए, यानी साइन ए का मान रख दो 3/5 और कोस ए का रख दो 4/5। तो 4 × 12 और 5×25, तो 12/25 आंसर आ गया, ठीक है ना, इजी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एक एक वैल्यू दी हो उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू निकाल लो, बेस्ट पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3 आपका। ये बोल रहा है यदि एक्स टेंजेंट 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री बराबर है कोस 30 डिग्री, लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं आप, कोस 30 डिग्री और इनटू में टेंजेंट 30 डिग्री है, तो एक्स का मान बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा मान होगा, कुछ भी नहीं है, मान पुट कर लो।
टेंजेंट डेगा, टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कोस 30 अंडर रूट 3/2, ये आप याद रख लो अच्छे से। और टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स गुणा 1/2, और यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, ये कितना आ गया 1/2, और एक्स है ये 1/2 है, गुणा में है उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास 1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड देख लो, डी उत्तर 1 है, ठीक है। इजी था, सिर्फ मान पुट करने थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 4 नेक्स्ट पेज पे। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसने बोला अगर साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू है 2 sin P, अगर ये सत्य है, अगर ये सिद्ध है, सत्य है, तो b का मान किसके बराबर होगा, तो हमें इसका मान निकालना, b का मान कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए साइन स्क्वेयर b और इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा 2 sin B, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर साइन b कॉमन निकाल लूँ, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका, इधर लाएंगे तो उधर क्या बच जाएगा 0, लेकिन हमें सोल्व करना है कि ये दोनों बी का मान क्या रखें इक्वल आ जाए। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो आप, जैसे आपने 90 डिग्री यूज किया तो साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का मान 90 डिग्री यूज कर रहे हैं, हम ध्यान रखना बी का मान कितना देर ले रहे हैं 90 डिग्री, बी का मान 90 डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वेयर 90 डिग्री, और यहाँ पे 2 sin 90 डिग्री, साइन 90 तो 1 होता है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वेयर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, तो अब भी नहीं इक्वल आया। तो ऐसे जब आप देखोगे तो ये इक्वल आएगा किस पे, 0 डिग्री पे, जब बी का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा, आप ये देख लेना। देखो बी का मान 0 डिग्री रखो, साइन स्क्वेयर 0 डिग्री, और इधर है 2 sin 0 डिग्री, हमें पता है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, अब रख दो क्या हो जाएगा 0 डिग्री का स्क्वेयर, और इधर 2 × 0 डिग्री, 0 का स्क्वेयर करेंगे 0, और इधर भी 0, ठीक है। तो इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कब इक्वल आई है, जब बी का मान कितना 0 डिग्री। आप 30 डिग्री पुट कर लेना या 60 डिग्री पुट कर लेना, आंसर नहीं आएगा, 0 डिग्री से आएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5 पे चलते हैं, 5 पे है 5 tan²A − 5 sec²A + 1 का मान क्या होगा, हमें बताना है, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि 5 इसमें कॉमन ले लो, 5 क्या −5 कॉमन ले लो, ठीक है। −5 कॉमन लोगे तो जहाँ माइनस प्लस है वहाँ माइनस बना देगा, देखो यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो क्या बचा टेंजेंट स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ प्लस का था तो यहाँ क्या बना देगा माइनस, उल्टा होता है, जब माइनस कॉमन ले लोगे जहाँ माइनस है उसको प्लस बना देगा, अब 5 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा सीकेंट स्क्वेयर ए, और ये बाहर 1 है, ध्यान रखना इसमें कॉमन लिया 5, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे हम आगे सीकेंट स्क्वेयर ए, इसको पीछे लिख लेंगे टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस 1। अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा −5 और +1, कितना आंसर आ गया −4। तो −4 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर है 6, वाई का मान ज्ञात करना हमें, 4 ऑप्शन दिए हैं, वाई साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री बराबर दे रखा है टेंजेंट स्क्वेयर 45 डिग्री और माइनस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री, तो वाई का मान हमें बताना है।
कुछ भी नहीं है, सारे मान हम पता है हमें टेबल से आ जाएंगे। तो वाई साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ध्यान रखो आप, याद रखो, गुणा में, गुणा में होता पॉइंट का मतलब, ठीक है, ये भी गुणा में है। कोस 45 ये भी 1/√2 होता है। टेंजेंट स्क्वेयर 45 मैंने पहले ही बताया है, इसका मतलब होता है टेंजेंट 45 का होल स्क्वेयर, और टेंजेंट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 1। ऐसे ही कोस स्क्वेयर 30 डिग्री का मतलब है कोस 30 डिग्री का वर्ग, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 3/2 इसका वर्ग। थोड़ा यहीं सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो इसका अलग अलग हो जाएगा, 3 का वर्ग अलग हो जाएगा और 2 का वर्ग अलग हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 3 और 2 × 4। तो ध्यान रखना कोस स्क्वेयर 30 में कोस 30 का मान रखा 3/2, उसका वर्ग किया तो कितना आंसर है, 3/4। तो ये आपका कितना आ गया, 3/4, और ये जब गुणा होगा 1/√2 1/√2, तो हमेशा ध्यान रखना ये कैसे गुणा होगा, इधर देख लो एक बार, 1/√2 1/√2 गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 का वर्ग हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। अब ये वर्ग से ये कट गया, कितना आंसर आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 1/2, और इधर देखिए 4 एलसीएम आ गया, 4 × 3 कितना आ गया, 1/4। तो वाई इसके गुणा में है, उस साइड लेके जाएंगे, या तो एक काम करो, भिन्न है ये, उस साइड लेके जाएंगे पलट जाएगी, ये रूल रख लो, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 1/2, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, ऑप्शन था इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा आपका। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 7, इसने दे रखा है यदि साइन ए का मान 1/2 हो, ठीक है, और क्या दे रखा है, तो कोट ए का मान निकालिए, कोट ए का मान हमें निकालना है, ये नेट भी बहुत दिक्कत करता है, चलो पढ़ा लेने दो। तो कोटे का मान हमें निकालना, बहुत ही आसान है, साइन ए का मान दे रखा है, वैसे कोटे होता क्या है, कोस ए बाई साइन ए होता है, समझ रहे हो, यदि हम कोस साइन ए का मान तो दिया है, कोस ए का मान और निकाल लें, देखिए कोस ए का मान निकालेंगे, एक आइडेंटिटी हमने की थी कि साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए क्या होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा, 1, और ये उस साइड चला जाएगा, ठीक है, और कोस ए का मान हमें निकालना है, तो ये वर्ग उस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, ये वाली सरोसमिका हमने की थी, ठीक है, इसी से बनती है ये, कर दो मानपुट अब, ठीक है, करो मानपुट, कोस ए का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे किसका मान रख दो, साइन ए का, साइन ए का मान कितना, 1/2, तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर है तो 1/2 का स्क्वेयर हो जाएगा, 1, ये कितना हो गया, 1/4, और ये 4 आपका एलसीएम आ गया, 4 − 1 कितना आ गया आपका, 3/4 आ गया, और उसका अंडर रूट, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो कोस ए का मान कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का अंडर रूट निकाल नहीं सकते, नीचे वाले का 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 आ गया। तो हमें अब मान किसका निकालना, कोस ए का, सॉरी कोट ए का, कोट ए होता कोस ए, कोस ए कितना है, अंडर रूट 3/2, और डिवाइड बाई क्या, साइन ए, साइन ए कितना है, 1/2, और नीचे वाली भिन्न है, ऊपर लेके जाएंगे पलट जाएगी, इससे एक घट गया, कितना आंसर आ गया आपका, 3/√3 आंसर आ गया, ठीक है, 3/√3 आंसर आ गया। तो देख लीजिए कोटे का मान कौन सा, पहला ही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है, पहले देखो कोटे कैसे निकाला जा सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, ध्यान रखना, कोटे कोसे बाई साइन ए होता है, तो यहाँ से कोसे का मान निकाल लो इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, इस सरोसमिका से, आपने सीखी थी, बस ईजी है, ठीक है। और एक तरीका ये भी है, यहाँ से एंगल भी आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो, देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ, जैसे साइन ए 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, ठीक है, तो साइन साइन कट गया, ए का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है ना,
जैसे कोट ए निकालना आपने, यानी कोट ए का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हो, ठीक है, ये अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका है, ये भी आप अपना सकते हो। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर आठ दे रखा है, यदि साइन थीटा ए बाई बी हो तो टेंजेंट थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो इस केस में वो वाला फॉर्मूला यूज, शॉर्टकट यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए बाई बी हमें पता ही नहीं है ए बाई बी साइन थीटा का मान कौन से थीटा पे होता है, ठीक है, तो ये नहीं लगेगा। अब ये वाला लगेगा जो मैंने अभी किया था, ठीक है, तो ये हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान तो दिया है, कोस थीटा का मान और निकाल लो, कौन से फॉर्मूले से, इससे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, कोस थीटा के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, अभी भी किया ना मैंने, देखो ये काम आ गया यहाँ पर, ये वाला ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ ए, तो यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा हो जाएगा, यही है बस, ठीक है। तो रख दो मान 1 माइनस साइन थीटा का होल स्केयर है, तो ए बाई बी का क्या हो जाएगा, वर्ग, ए बाई बी का वर्ग मतलब ए स्केयर और बी स्केयर, उसका वर्गमूल। अब बी स्केयर एलसीएम आ गया, तो क्या बच जाएगा ऊपर, बी स्केयर माइनस ए स्केयर, उसका वर्गमूल। तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, और नीचे वाले का स्केयर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो कोस थीटा का मान आ गया ये। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना, ए बाई बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा, कोस थीटा का मान ये है, ये आ जाएगा पूरा डिवाइड में, बी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइड बाई बी। तो ए बाई बी नीचे वाली बिन है, ऊपर लेके जाएंगे पलट जाएगी, ठीक है, पलट गई, तो बी से बी कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया आपका, ए बाई बी स्केयर माइनस ए स्केयर आपका आंसर आ जाएगा। अब कौन सा उत्तर ऑप्शन होगा, तो आपका सी, जो ए बाई वर्गमूल बी स्केयर माइनस ए स्केयर है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो लेफ्ट साइड देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां, हमें क्या दिया है, टेंजेंट थीटा +2, थोड़ा सा फोकस नहीं बन पाता कैमरे का, और इधर दिया है 2 टेंजेंट थीटा +1, हमें प्रूव करना है कि 5 टेंजेंट थीटा + secant square theta के इक्वल होगा, तो ये वाला है, तो LHS लेके चलते हैं प्रूव करने वाले में। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, एक बार के साथ होगी, इसके साथ होगी, तो जब इसके साथ होगी तो क्या आ जाएगा, 2 tangent square theta आ जाएगा, ठीक है भाई, और जब tangent theta की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आ जाएगा, tangent theta आ जाएगा, ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी कितना आ जाएगा, 4 tangent theta, और 2 की 1 से होगी तो कितना आ जाएगा, 2। ये है अभी हमारे पास, तो ये देखिए tangent theta और 4 tangent theta कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 tangent theta, क्या बचा, 2 tangent square theta + 2 बच गया, यहाँ पे 5 tangent theta और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, इधर tangent square theta 2 कॉमन ले लिया ना, tangent square theta बचा, और इधर 2 गया तो क्या बचा यहाँ पे 1, और हमें पता है कि secant square theta किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा +1 के, ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो 5 tangent theta और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 secant square theta आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था शायद, सॉरी हमें प्रूव करना है ये, सो ये गलत मिस ठीक कर लेना इसको आप, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ये प्रूव करना, तो क्या हो जाएगा, हमने प्रूव कर दिया इति सिद्धम, ठीक है, ईजी था, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करो बस, मल्टीप्लाई करो फिर बाद में कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। 10वां देखिए, 10वें में है 1 + cot square theta और डिवाइड में है 1 + cosecant theta, हमें प्रूव करना है कि किसके इक्वल होगा ये, cosecant theta के इक्वल होगा,
कुछ भी नहीं करना। पहला काम तो देखो कुछ भी नहीं है, पहला काम तो यही है कि ये चीज़ें कैल्शियम लेनी पड़ेगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे दिखाई दे पहला काम है इसका कैल्शियम सोल्व करना पड़ेगा, कैल्शियम ले लेते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है, ये नहीं लेके चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो एल्शियम ले लिया इसमें, वन प्लस कोसेक थीटा, ये एल्शियम यूँ कहीं इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि वन था ना यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। फिर देखिए सेम है तो ऊपर वाला यूँ का यूँ आ जाएगा कोट स्क्वेयर थीटा। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है इसको खोल लो, वन प्लस कोसेक थीटा, जो खुल सकता है उसको खोलते चलो। इसको हम ले सकते हैं कोट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, ध्यान रखो याद करो, ये होता है वन माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा होता है, और हमें निकालना है प्लस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखो ये होता है, ठीक है। कोट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वेयर थीटा, ये हमने पीछे की वर्कशीट में किया था, माइनस वन, ये होता है। और यह आप अगर आपको निकालना हो तो ये वाली सहसीमिका थी, कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा का मान कितना होता है वन, तो यहाँ से कोट का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा, और नीचे है वन प्लस कोसेक थीटा। अब देखिए वन से वन कट गया, ऊपर क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा, और डिवाइड में वन प्लस कोसेक थीटा। यहाँ से कोसेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा वन, और इधर दो है तो इधर एक बच जाएगा कोसेक थीटा, और डिवाइड बाई वन प्लस कोसेक थीटा, इससे कट गया तो क्या बचा आपके पास, ये बच गया कोसेक या कोसेकेंट बोल दो थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी प्रूव करना था, तो क्या कर दिया आपने, इति सिद्धम, यह हमने प्रूव कर दिया, ये लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया। देखो आसान है। तो दोस्तों आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वर्कशीट में, वर्कशीट का सोल्यूशन लेकर जल्दी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।